हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके क्लासेज में। तो दोस्तों, अपन आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के 20 क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कांच होता है, फर्स्ट ऑप्शन है अति तप्त ठोस, सेकंड ऑप्शन है अति शीतित द्रव, थर्ड ऑप्शन है अति शीतित गैस और फोर्थ ऑप्शन है अति तप्त द्रव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिशीतित द्रव। आपको पता है जो कांच होता है क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है। और जो कांच होता है क्या होता है? एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। और बात करें तो इसका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है। गलना क्या नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। और बात करें तो इसकी जो क्रिस्टल संरचना भी नहीं होती है इसकी। ठीक है, कांच की क्या होती नहीं होती है? क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। ये जो साधारण कांच हो किससे? सिलिका, सिलिका हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है? ठोस विलयन होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कोयले के अंदर, सेकंड ऑप्शन है खाना पकाने की गैस में, थर्ड ऑप्शन में है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन और फोर्थ ऑप्शन है निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च ऑक्टेन वाला, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन के अंदर शीशे की क्या है? अधिकतम मात्रा पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पायरेट्स कांच में अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? मतलब जो आपको पता है पायरेट्स कांच होता है वो अत्यधिक क्या होता है? शक्तिशाली। तो इसके सामर्थ्य के लिए क्या उत्तरदायी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है बोरेक्स, फोर्थ ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरेक्स। बोरेक्स के कारण क्या होता है ये अत्यधिक जो इसका सामर्थ्य है वो अधिक होता है। तो आपको यहाँ पर पता होगा जी, बोरेक्स का उपयोग करके क्या बनाता है? बोरो सिलिकेट। जो बोरो सिलिकेट का क्या करता है ये? निर्माण यहाँ पर करता है, जिसको क्या कहते हैं? पायरेक्स कांच कहते हैं। और आपको पता है सबसे पहले जो पायरेक्स कांच किसने बनाया था? वो बनाया था ये जो कार्निंग ग्लास वर्क्स कंपनी है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? पायरेक्स कांच का निर्माण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकंड ऑप्शन है कैडमियम, थर्ड ऑप्शन है सोडियम, फोर्थ ऑप्शन है लिथियम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम क्या है? हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, क्योंकि सभी क्षारीय धातु जल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन पैदा करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है? इनका जो आयनन विभव है वो हाइड्रोजन से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, जबकि जो कैडमियम का आयनन विभव होता है क्या है? कम होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? जो अपना जल होता है उसे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो पाता है। जो जल होता है उसे जो हाइड्रोजन है ये प्रतिस्थापित नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन पैदा नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा प्रतिक्रिया करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आपको पता ये एल्डिहाइड है। फिर है सी टू एच फाइव ओ एच, ये क्या है यहाँ पर? एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में ये है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो कार्बोजिलिक एसिड है। यहाँ पर ये है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये यहाँ पर कीटोन है। ठीक है दोस्तों, एसिटो कीटोन है।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो फेलिंग विलयन होता है उसके साथ प्रतिक्रिया करता है, और बाकी जो भी एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कीटो समूह है, ये फेलिंग विलयन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वह तत्व तो जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है थोरियम, सेकंड ऑप्शन है रेडियम, थर्ड ऑप्शन है प्लूटोनियम, फोर्थ ऑप्शन है यूरेनियम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियम। जो रेडियम है वो क्या है, प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से पाया जाता है। इसकी खोज आपको पता है किसने की थी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा इसको प्राप्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जिनोन, सेकंड ऑप्शन है बोरोन, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गन, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरोन। जो बोरोन है वो धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार क्या है, प्रकट करता है, क्योंकि ये आवर्त सारणी में आपको पता है कौन से 13वें समूह में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिकहीन धातु कौन सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड ऑप्शन है सीसा, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर, फोर्थ ऑप्शन है सोना। यहाँ पर हीन का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर हीन मतलब जिसकी जो मतलब कम चालक हो, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा। आपको पता है सर्वाधिक विद्युत की चालक कौन सी होती है, वो होती है चांदी। ठीक है, और धातु में सर्वाधिकहीन चालक कौन सी होती है, मतलब कम चालक कौन सी होता है, तो वो हो जाएगा सीसा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कांसा निम्न में लिखित में से किसकी मिश्र धातु है, तो फर्स्ट ऑप्शन है तांबा और जस्ता, सेकंड ऑप्शन है टिन और जस्ता, थर्ड ऑप्शन है तांबा और टिन, फोर्थ ऑप्शन है लोहा और जस्ता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और टिन। तो दोस्तों मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको एक मिश्र धातुओं का क्या एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसके अंदर ट्रिक से अपन ने सभी मिश्र धातुओं को याद किया था। तो इसके अंदर क्या था, कासा का, इसमें अपन ने कैसे याद किया था, कासा का था काशी काटो। ठीक है, काट्यो, तो काशी काटो, काशी क्या हो जाएगा कॉपर और टी सी यहाँ पर टिन हो जाएगा। ठीक है, काशी काटो। तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखा तो आप वहाँ पर जब आप यूट्यूब पर ओके क्लासेज सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर मिश्र धातु का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप जितने भी मिश्र धातु आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 से 1.5, सेकंड ऑप्शन है 1.5 से 3.0, थर्ड ऑप्शन है 3.0 से 4.0 और फोर्थ ऑप्शन है 4.0 से 6.0। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 से 1.5 तक इसके अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। और स्टील में अगर आयरन की अपन बात करें, लोहे की तो लोहे की बात करें तो वो होती है 98.9% लोहे की मात्रा होती है, और कार्बन की आपको पता है 0.1 से 1.5% क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा। इसका निर्माण किससे होता है, बेसिमर विधि से होता है, सीमेंस विधि से होता है। ठीक है, और इसका उपयोग किस में, स्टील का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग उस्तरे में, लेड में, चाकू में, कुल्हाड़ी में आदि में इसका क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वह धातु बताइए जो निष्क्रिय प्रकार की होती है, मतलब निराविषी प्रकार की होती है। यहाँ पर करेक्शन करना थोड़ी, निराविषी प्रकार की, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम, सेकंड ऑप्शन है गोल्ड। निराविषी का मतलब यहाँ पर
नॉन पोजिशियंस, ठीक है, मतलब जिसकी पोजिशन स्थायी नहीं हो, नॉन पोजिशियंस। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम, सेकंड ऑप्शन है गोल्ड, थर्ड ऑप्शन है कैडमियम, फोर्थ ऑप्शन है कोबाल्ट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड। जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, निरवशी प्रकार का होता है, मतलब नॉन पोजिशन, जिसकी स्थायी नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सेकंड ऑप्शन है सोना, थर्ड ऑप्शन है लोहा, फोर्थ ऑप्शन है सीसा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। जो सोना होता है वो क्या होता है, धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जो इसका सोने का अयस्क क्या होता है, काल्विनाइट व सिल्विनाइट होता है। और आपको पता है एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, क्रोलाइट, डाइस्पोर, और शीशे का गैलेना होता है, सीरूसाइट होता है, एंग्लोलाइट होता है, मेटलोकाइट होता है, लोहे का मैग्नेटाइट, हिमेटाइट, सीडेराइट होता है। ठीक है, ये क्या होता है इसके अयस्क, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गैलेना, सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटाइट, थर्ड ऑप्शन है पाइरोलोसाइट, फोर्थ ऑप्शन है सीडेसाइट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलेना। आपको पता है गैलेना क्या किसका होता है, शीशे का होता है। मैग्नेटाइट किसका होता है, ये होता है लोहे का। ठीक है, सीडेराइट किसका होता है, ये भी लोहे का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कच्चा लोहा, सेकंड ऑप्शन है इस्पात, थर्ड ऑप्शन जगरोधी इस्पात, फोर्थ ऑप्शन है पिटवा लोहा। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। क्या होता है, लोहे का सबसे शुद्धतम कॉमर्शियल यूज में लिया जाता है। तो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहे के अंदर लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क मानते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है, जो स्टील होता है उससे भी कम। स्टील में कितनी बताई थी मैंने अभी आपको, 0.1 से लेके 1.5 तक। तो इसके अंदर क्या होती है, उससे भी कम होती है। इसके अंदर कितनी होती है, 0.04 से लेके 0.08% होती है। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, डलवा लोहे के अंदर कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 से 1.5, सेकंड ऑप्शन है 6 से लेके 8%, थर्ड ऑप्शन है 3 से लेके 5%, फोर्थ ऑप्शन है 0.1 से लेके 0.25%। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से लेके 5% क्या होता है, डलवे लोहे का, डलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो डलवा, पिटवा और स्टील में कार्बन की मात्रा आपको पता ही है, डलवे लोहे में कितनी होती है, 2.2 से लेके 4% तक। ठीक है, पिटवे के अंदर 0.1 से लेके 0.25, और स्टील के अंदर 0.5 से लेकर 1.5% तक होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, सेकंड ऑप्शन है बिटुमिनस, थर्ड ऑप्शन है कोक, और फोर्थ ऑप्शन है लिग्नाइट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। जो लिग्नाइट है उसको क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता का निर्धारण उसकी जो कार्बन का अनुपात उसी होता है। तो लिग्नाइट के अंदर जो इसकी कार्बन की मात्रा वो क्या होता है, मतलब पीट के बाद से ज़्यादा कार्बन की मात्रा लिग्नाइट के अंदर ही होती है। आपको पता है सबसे अच्छा जो कार्बन का होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, जिसके अंदर कितना होता है, 80 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस के अंदर कितनी होती है, इसके अंदर होती है 55 से लेके 80% तक। और जो लिग्नाइट कोयला होता है इसके अंदर 40 से लेके 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। और जो पीट कोयला होता है,
जिसको कोक बोलते हैं, उसके अंदर 40% से कम होती है, जो सबसे खराब कोयला होता है। और सबसे अच्छा सर्वोत्तम कोयला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। लेकिन बुरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिटुमन, सेकंड ऑप्शन है लिग्नाइट, थर्ड ऑप्शन है पीट और फोर्थ ऑप्शन है डोलोमाइट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। तो डोलोमाइट है जो, तो आपको पता ही है कार्बन की नहीं है, तो इसके अंदर इसकी जगह क्या आता? एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट लिग्नाइट बिटुमेंस और पीट ये क्या होते हैं? कार्बन की किस्म होती है। तो डोलोमाइट क्या है? यहाँ पर कार्बन की किस्म नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। किस लोहे में, यहाँ पर करेक्शन करना चाहूँगा, किस लोहे में 72% लोहा होता है? ठीक है, ये लोहा नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आप करना एस्क में 72% लोहा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटाइट, सेकंड ऑप्शन है लिमो नाइट, थर्ड ऑप्शन है हेमेटाइट, फोर्थ ऑप्शन है शीडराइट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है उसके अंदर क्या होता है? 72% होती है। हेमेटाइट के अंदर कितनी होती है? 70%। लिमोनाइट में कितनी होती है? इसके अंदर होती है 50 से लेके 66%। और जो शीडराइट होता है इसके अंदर होती है 48%। अगर अपन इनके फॉर्मूलों की बात करें यहाँ पर, तो हेमेटाइट का क्या होता है? हेमेटाइट का होता है Fe2O3। लेमोनाइट की बात करें तो इसका होता है Fe2O3, उसके अंदर क्या जुड़ जाता है? जल और जुड़ जाता है। शीडराइट की बात करें तो Fe CO3, और हेमेटाइट की बात करें अपन तो इसका होता है Fe3O3। और जो मैग्नेटाइट का था यहाँ पर उसका O4 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा एस्क है? फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्साइड, सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटाइट, थर्ड ऑप्शन है लिग्नाइट, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्राइट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। आपको पता है जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और लिटेनाइट क्या होता है? लोहिस के एस्क होते हैं। तो बॉक्साइड किसका होता है? बॉक्साइड आपको पता है एल्यूमिनियम का होता है। मैग्नेटाइट लोहे का हो गया। लिग्नाइट भी आपको पता है किसका होता है? कोयले का। और जो नाइट्राइट क्या होता है? NO2- ये क्या होता है? आयन होता है, आयन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हेमाटाइट में, सेकंड ऑप्शन है बॉक्साइड में, थर्ड ऑप्शन है क्रोलाइट में, फोर्थ ऑप्शन है कैल्साइट में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोलाइट के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होती है। क्रोलाइट क्या होता है? क्रोलाइट होता है Na3AlF6। इसके अंदर क्या होता है? ये होता है क्रोलाइट। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर अपन कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट का सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। बॉक्साइट की बात करें तो अपन AlOH3। मेटाइट की बात करें तो अभी अपन ने लिखा था मेटाइट का Fe2O3। ठीक है दोस्तों, तो आज इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर लेके आते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक तब सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इस कैसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।